सिंगरौली में सहकार ग्लोबल कंपनी के कर्मचारी की नहर में गिरने से मौत हो गई, जिस पर नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष चंद्र प्रसाद विश्वकर्मा ने एनटीपीसी प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। सिंगरौली जिले में सहकार ग्लोबल के कर्मचारी सत्यम शुक्ला की नहर में बहने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही विंध्यनगर थाना प्रभारी अर्चना द्विवेदी होमगार्ड एसडीआरएफ की टीम के साथ मौके पर पहुंची, रेस्क्यू कर लाश को बाहर निकाला गया। इसके बाद मृतक का पोस्टमार्टम कर बॉडी को पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया। वहीं इस मामले को लेकर नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष चंद्र प्रताप विश्वकर्मा ने एनटीपीसी प्रबंधन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि यदि समय रहते एनटीपीसी पूरे कैनाल पर बाउंड्री वॉल बना देती तो ऐसा हादसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि इसमें सबसे बड़ा आरोपी एनटीपीसी प्रबंधन है, एनटीपीसी प्रबंधन के ऊपर हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। एनटीपीसी कैनाल में महीने में एक दो लोग उसमें डूब ही जाते हैं और हम लोग लगातार कई वर्षों से मांग कर रहे हैं कि एनटीपीसी वाले उस पर रिटेनिंग वाल बाउंड्री वाल बना दें, लेकिन एनटीपीसी के कानों में जू नहीं हिट रहा, न एनटीपीसी के प्रशासन के लोग कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। अभी पूरी पाइपलाइन डाले हुए हैं, आप जमीन रेलवे के लिए और उसमें अभी पाइपलाइन डाल रही है एनटीपीसी, आप जाके देखिए पूरे यहाँ के जमीनों का दुर्दशा नाश कर देना किसानों के, उसके साथ साथ एनटीपीसी का तो इतना बड़ा एनटीपीसी यहाँ पे देश का विकास कर रही है, देश को बिजली दे रही है, लेकिन सिंगरौली वासियों के लिए मौत दे रही है। और सिंगरौली वासी हर महीने उस कैनाल में जो कैनाल है वो काल है एक प्रकार का, हर महीने हमारे सिंगरौली का युवा एक दो महिला लड़के बच्चे बुजुर्ग खत्म हो जा रहे हैं और इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी तो ऐसा ही चलता रहेगा। और एनटीपीसी का कोई मतलब नहीं है, वो अपने उनका पावर प्लांट चल रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है और उनके अधिकारी और खासकर हमारे भी अधिकारी वही शरण लिए हुए हैं, तो इसलिए कोई बोलता नहीं है और जनप्रतिनिधि भी बोलते नहीं है, नहीं तो एनटीपीसी का बाप भी सुनेगा क्यों नहीं एनटीपीसी को। ये थोड़ी सा राज्य केंद्र सरकार थोड़ी कहा कि यहाँ के विस्थापितों को तुम मार डालो, यहाँ के विस्थापितों को राख में डस्ट में तुम मारते रहो, लेकिन यहाँ के लोगों का मनसा बन गई है कि हर महीने 15 दिन में कोई ना कोई मरेगा, हम लोग नेता लोग जाएंगे हड़ताल करेंगे, 2-3 घंटे के बाद में मामला वही होकर ढाका पात हो जाएगा, यहाँ कोई सुनवाई नहीं। सिंगरौली में सिर्फ मौत ही मिल रहा है, उधर कोयला का प्रदूषण, इधर राख का प्रदूषण। और एनटीपीसी तो बहुत बड़ी कंपनियां है, राज्य स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है, लेकिन एनटीपीसी के यहाँ के अधिकारी जो है ना वो तानाशाही रवैये पे चल रहे हैं और इन पे बड़ा आंदोलन करने आए। अभी बरसात चल रहा है, अभी सब किसान अपने काम में फंसे हैं, लेकिन यहाँ की जो राख जो किसानों की जमीन में भट रहा, चलिए आप लोग मैं दिखाऊंगा, अभी सावन खत्म हो जाएगा मैं दिखाऊंगा। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years. आप देख रहे हैं दखल न्यूज।